तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो बहुत दिनों के बाद आया हूँ वीडियो लेके, लेकिन आप लोगों का स्वागत करना तो बनता है भाई साहब, कसम से बोल रहा हूँ। मतलब बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि ये मौका कब आएगा जब मैं गेम प्ले वीडियो लेके आऊंगा दोबारा से, और भाई साहब ये मौका शुरू हो चुका है। और ये मैं खुशी है ना, ये खुशी हर हिंदुस्तानी को देना चाहता हूँ। तो वीडियो को अभी से बोलूंगा शेयर जरूर कर देना हर एक हिंदुस्तानी के साथ। मतलब अभी नहीं शेयर करना, वीडियो को पूरा देख लो उसके बाद। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मतलब आप लोगों के स्वागत से पहले अपना रंडी रोना भी तो करना है। मतलब हाँ, मजबूरियाँ सुनानी है अपनी कि क्या क्या मजबूरियाँ थी जो वीडियो नहीं आ पा रहा था। मतलब मेरे छत पे जो है ना, क्या बोलते हैं, मेरे मतलब हाँ सर पे छत नहीं था बहन, जो छत पे सर कैसा होता है, हाँ तो मेरे सर पे है ना अभी तक छत नहीं था, तो वो छत आ चुका है मेरे सर पे। तो भाई साहब अब वाईफाई की ज़रूरत है, बस वो भी इंटरनेट की दुआ भी आप लोगों की मदद से पूरी हो जाएगी। तो कुछ दिनों में लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाएगी, तो चिंता मत करना, कसम से इंटरटेनमेंट तो अब तबाही होने वाली है, कसम से बोल रहा हूँ। हरामीगिरी तो शुरू हो चुकी है भाई साहब। और इसी के साथ मैं उतर जाता हूँ इस सस्ते से ताजमहल पे, और उतरते के साथ भाई साहब मुझे UMP 45 मिल जाती है, और मैं उसी से सस्ते मोटल को पेलते हुए आगे निकल जाता हूँ, और कसम से दूसरे लौंडे भी मिलते हैं आगे। अब पहला लौंडा तो भाई साहब लूटते लूटते ही लूट जाता है कसम से, और दूसरा जो लौंडा होता है वो निहत्था मतलब बिना गन के भागने की कोशिश कर रहा होता है, और बीच सड़क पे पीला जाता है कसम से यार, बहुत दुख हुआ इसको। मतलब हाँ, इससे पहले वाले मैच में भी मैं इसी तरीके से पीला गया था, वो याद आ गया था मुझे, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे इसको मारने के बाद। लेकिन एक लौंडा सिर्फ बचा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बंदे उतरे यहाँ पे, लेकिन हाँ अब नहीं उतरे तो नहीं उतरे, लेकिन हाँ उस लौंडे को ढूंढ के पेलना पड़ेगा। वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। चलो छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं भाई साहब उसके साथ। I keep on working, got purpose and worth. Music my cure in this world is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ चूत गई, हमने भी सोचा था इसकी माँ की चूत, कुछ तो करेंगे। अब मैंने सोचा था इससे अच्छी लंबी फाइट चलेगी, लेकिन लौंडा सिर्फ एक नेट से ठिल जाता है भाई साहब। तो इसको मारने के बाद सीधा यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई लौंडा यहाँ पे कोई भी बंदा आया ही नहीं है, तो लड़ेंगे किससे। तो यहाँ से सीधा निकलने की कोशिश कर ही रहे होते कि सामने मुझे एक बॉट आते हुए दिखता है भाई साहब। लौंडे जो है ना सवार होके आ रहे थे, एकदम नौका का सवारी कर रहे थे, बोल रहे नहीं हम पहाड़ियों के वादियों में जाएंगे, सारे लौंडे ठिला देंगे। तो भाई आओ आ जाओ। और भाई साहब मैं किसी तरीके से एक लौंडे को तो भाई साहब बोट के अंदर ही पेल देता हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल में लगा था कि एक ही लौंडा है बोट पे, मतलब मुझे दूसरा लौंडा तो दिखा ही नहीं था कसम से। मुझे दूसरा लौंडा कसम करीबन पानी में लग रहा था, तो मैं वहां पे स्कोप करने की कोशिश कर रहा था। हाँ बल्कि मेरे पास सिर्फ रेड डॉट था, उसी से मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो लौंडा फायर करता है मेरे ऊपर, और भाई साहब अपने हाथ से है ना जान खो, मतलब जान अपने हाथ से खो बैठता है भाई साहब। और इसी का बोट उठा के मैं सीधा निकल चलता हूँ जोन के अंदर, क्योंकि ये नल्ले से जहाज पे बैठ के मैं समुद्र का पूरा परिक्रमा तो कर नहीं सकता। तभी मैं बाइक उठाता हूँ और कसम से लौंडे ढूंढते ढूंढते परेशान होकर मैं पोचिंग की पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पे भाई साहब जो खतरनाक फाइट होने वाली है ना, कसम से बोल रहा हूँ स्किप मत करना, मतलब तबाही होने वाली है। तो शुरू भाई कितनी टीम आएगी पता नहीं, मुझे गिनती नहीं है, मतलब इतनी टीम आएगी और मैं बीच में बंदा एकदम पिस जाऊंगा, और भाई साहब कैसे पेलूंगा एक एक को ना, कसम से देखने में मजा आएगा। तो भाई एकदम अभी से बोल रहा हूँ लाइक का बटन कतई ठोक दो, और चैनल पे नए हो गए ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लो भाई साहब। मजेदार वीडियो तो रोज आते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे हर दिन चाहिए, हर पल चाहिए। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अब भाई साहब देखो यहाँ पे सीन क्या हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो सबसे पहले राइट से फायर होता है मेरे ऊपर, और मैं गाड़ी रोकता हूँ उसको देखने के लिए कि कौन है बंदा, लेकिन तभी मुझे लेफ्ट से डैमेज पड़ता है भाई साहब, मेरी फटके हाथ में आ जाती है, और मैं भागने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे राइट से भी बचना है लेफ्ट से भी बचना है। तभी मैं सामने भागता हूँ, तो सामने से भी भाई साहब कोई बंदा मुझे घेर लेता है, तो मैं फंस जाता हूँ पूरे तरीके से। तभी मैं यहाँ पे एक नेड करने की कोशिश करता हूँ सामने वाले बंदे, मतलब आपको भी पता है मुझे भी पता है कुछ होने वाला तो है नहीं उस नेड से, कुछ होने वाला नहीं। मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ, फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं, अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है।
और भाई साहब मैं अपने नेट के सपने से निकला भी नहीं था कि पीछे एक और गाड़ी आ जाती है और मेरी फटके हाथ में आ जाती है। भाई साहब मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है, मैं चारों तरफ से घिर चुका था, तभी मैं बोलता हूँ रिस्क लेना पड़ेगा और मैं निकलता हूँ यहाँ पे और सामने वाले लौंडे को पेल के आता हूँ भाई साहब। और मेरे को जो संतुष्टि मिलती है ना बता नहीं सकता, मैं इसके बाद वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं उसके गाड़ी फोड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है वो भाग ना जाए और यदि मुझ पर रश भी करे तो अकेला अकेला है, यदि दो ही लौंडा है तो भाई साहब आराम से मार देंगे। और तभी उसका एक लौंडा है ना इतिहास रचने के लिए अकेला भागने की कोशिश करता है और फ्लैंक मारने की कोशिश करता है, तभी उसका मैं पूरा का पूरा फ्लैंक तोड़ देता हूँ और कसम से मतलब उधर के उधर नॉक करके उधर के उधर पेल देता हूँ पूरा का पूरा। और मैं कतई बाहुबली बनने की कोशिश करता हूँ, मतलब सामने आ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ सिर्फ एक लौंडा बचा है, भाई साहब आसानी से पेल देंगे जाके। और मैं किसी तरीके से छिप छिपा के यहाँ तक पहुँच जाता हूँ और भाई साहब मुझे पता चलता है कि गोलियाँ कहीं और से ही पड़ रही है मेरे को। तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही डायलॉग सुनाई देता है, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई मैं तुरंत पीछे चला आता हूँ और तभी वहाँ पे नेट फटता है और मैं बोलता हूँ बच गया भाई, नहीं तो अभी के अभी तुरंत पेला जाता भाई साहब। और बोलते ना किसी को खुजली होती है, मतलब कुछ ना कुछ चुल मची होती है भाई साहब उड़ता तीर लेने के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये वही बंदा है लेकिन वो कोई और होता है, देखो उड़ता तीर लेने के लिए कोई आ रहा है। अब इस बॉट के चक्कर में मैं अभी पेला जाता, मतलब मुझे लगा था कि वो डीपी वाला बंदा भाई साहब मारा जा चुका है लेकिन वो अभी तक जिंदा है, कसम से बोल रहा हूँ, ये लौंडा मारा मैं, इसके बाद भी लौंडा मारा, मतलब अभी तक वो डीपी वाला बंदा जिंदा ही। और यहाँ पे मैं बैठ के दो बॉट और मारूंगा, मुझे लगेगा कि भाई साहब अभी तक वो कैसे जिंदा। और भाई साहब उसको ढूंढते ढूंढते मैं बोला कि अब घुस के पेलेंगे कसम से, और भाई साहब मैं घुस के पेलने की कोशिश करता हूँ और देखो नजारा क्या होता है उसके बाद। और वो एक बंदी निकलती है जिसका नाम होता है कायनात, कसम से बोल रहा हूँ, मतलब सामने बोल के तो देखती है एक बार, इतना खूबसूरत नाम था यार कायनात, मतलब एक बार बोल देती कि आजाद मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, कसम से लाशें बिछा देता, मतलब अपनी खुद की लाशें बिछा देता है, नेट से खुद मर जाता भाई वहीं पे, मतलब कसम से बोल रहा हूँ यार आई लव यू यार, मतलब कायनात इतना खूबसूरत नाम है, और दिल से सॉरी यार मतलब तेरे को मारने के लिए, बहुत परेशान की लेकिन कमी नहीं, तू बहुत परेशान की भक्त भाई, अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को पता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। और भाई साहब मैं कायनात की याद से निकला भी नहीं था कि मुझे फायर की आवाज सुनाई देती है, मतलब ये दो लौंडे वही हैं भाई साहब जो मुझे स्टार्टिंग से परेशान कर रहे हैं, मतलब हाँ लेफ्ट साइड में पूछिंग की कि लेफ्ट साइड में जो एक घर है ना उस घर में छिपे बैठे थे, मतलब इतना ज्यादा कैंपिंग कौन करता है यार, मतलब मैं लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन में इतना देर घर में नहीं रह पाया था जितना ये लोग है ना एक घर के अंदर कैंपिंग कर लेते हैं यार, कसम से मैं उठा और भाई साहब मुझे सामने ये दो लौंडे दिख गए, तो कसम से पेलने की बारी है। और यहाँ पे मैं पूरा प्रो बनने का नाकाम कोशिश करता हूँ, मतलब एक स्प्रे में दो लौंडे ठिलाने की कोशिश करता हूँ, हाँ मतलब एक लौंडा ठिला दिया था लेकिन दूसरा लौंडा ठिलता नहीं है, वो मुझे ठिलाने की कोशिश में लग जाता है, तो भाई साहब मैं किसी तरीके से कवर में आता हूँ, एक बॉट मिल जाता है उधर तो उसको भी पेल देते हैं। और भाई साहब यहाँ पे मतलब निकलने वो पीक कर ही नहीं रहा था दोबारा, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि रेड जोन अपने ऊपर बन गई है, और भाई साहब कभी भी मतलब इतना दूर आने के बाद रेड जोन से ठिल जाओ ना तो भाई साहब अलग गुस्सा आता है, इसके लिए मैं कवर में जाता हूँ, किसी तरीके से गोली चलती है मेरे ऊपर तो किसी तरीके से बच बुचा के मैं यहाँ तक आ जाता हूँ और भाई साहब वहाँ से एंगल लेने की कोशिश करता हूं, तभी मुझे वो लौंडा दिख जाता है और भाई साहब मैं जोन के अंदर जाके मारने की कोशिश करता हूं उसको, देखो। और वो भाई साहब किसी तरीके से बच जाता है और पहाड़ी के कवर में चला जाता है, तो इसके कारण वो बच जाता है और भाई साहब गाड़ी होती है उसके पास और गाड़ी पकड़ के वो सीधा निकल जाता है जोन में, और भाई साहब मैं सोचता हूँ कि मैं भी जोन में निकलूँ नहीं तो मैं एक जोन से ठिल जाऊंगा भाई साहब, तो गाड़ी पकड़ता हूँ मैं भी फटाफट से जोन के अंदर घुसता हूँ, और जोन में ये वाला घर था तो इस घर में रुकता हूँ, और मैं जैसे ही ऊपर पहुंचता हूँ भाई साहब एक लौंडे की फुटस्टेप आने लगती है, तो मैं समझ जाता हूँ कोई लौंडा तो आ गया भाई साहब, तो उससे लड़ भिड़ लेते हैं देखो। और ये कमाल का लौंडा है, कतई कमाल का, मतलब एकदम जहर लौंडा है, देखना मतलब देखना इसके साथ फाइट कैसे होगी। I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back.
अब ये देखने के बाद है ना भाई साहब, इससे भरोसा ही उठ गया इस लौंडे से। कसम से जिस तरीके से ये बच बुचा के भागा था, कसम से भाई मुझे लगा था कोई प्रो बंदा है, लेकिन भाई साहब ऐसे ऐसे खुलेआम लेट गया। और देखो किस तरीके से देख रहा है यार। अब इस लौंडे के साथ मैं ज्यादा देर खेल नहीं सकता था, इसके लिए इसको आराम से पेल देता हूँ। और इसके बाद सिर्फ बचा है एक लौंडा। कसम से बोल रहा हूँ ये लौंडा इतना हरामी है, कसम से इतना ज्यादा हरामी है, सीरियसली बोल रहा हूँ। पिछले 5 मिनट से मैं फास्ट फॉरवर्ड में भी दिखा दूँ फिर भी मेरे को क्लिप काटना पड़ेगा। कसम से बोल रहा हूँ इतना घुमाऊँ इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान, मतलब लास्ट जोन का लास्ट जोन आ गया। लेकिन भाई साहब ये लौंडा दिखा नहीं, कसम से ऐसे छेद में जाके छिप गया था, मतलब ऐसे घास में मैं ढूंढते ढूंढते परेशान, मतलब जोन के बाहर ढूंढा, जोन के अंदर ढूंढा, गाड़ी से ढूंढा, पैदल ढूंढा, लेकिन लौंडा मिलने का नाम नहीं ले रहा था। एक टाइम पे ऐसा, कसम से बोल रहा हूं पबजी की कसम, मतलब एक टाइम पे ऐसा आया मैं बोल रहा हूं मैं ओपन में हूं, लौंडे मार ले, मतलब मार ले मेरे को, मैं ओपन में घूम रहा हूं, लेकिन भाई साहब वो मारने को भी तैयार नहीं है। लेकिन एक टाइम पे एकदम कुत्ते की तरह देखो कैसे मिलता है वो लौंडा मुझे। और ये नूबड़ा सा बंदा है ना हाइट का एडवांटेज लेके भाई साहब मुझे पेल देता है। और मतलब मुझे दुख भी नहीं हुआ यार यहाँ पे, मतलब मैं थक चुका था यार, मेरा माइंड थक चुका था, मेरी हाथें थक चुकी थी, क्योंकि ये लौंडा मतलब सारा एनर्जी मैंने इसको ढूंढने में निकाल दिया और भाई साहब आराम से मारा गया मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो प्लीज़, एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाओ वहाँ फॉलो कर लो मुझे, अभी तक कर क्या रहे हो आप लोग, और मुझे टैग करो जहाँ पे भी आप शेयर करते हो, मुझे टैग करो आराम से, मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट आउट देने की कोशिश करूंगा। और भाई साहब जिंदगी में एक चीज़ कर दो बस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर दो और तमाम दोस्तों से करवाओ जल्दी से जल्दी, 4000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, हमारा अगला गोल है, तो प्लीज 4000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।